लास्ट लेक्चर में डिस्कस क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस माइकोसिस। आज के लेक्चर में हम सिस्टेमिक माइकोसिस स्टार्ट करेंगे। अब सिस्टेमिक माइकोसिस है क्या? ये वो ऑल फंगल इन्फेक्शन हैं जो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करेंगे, किसी एक ऑर्गन सिस्टम तक लिमिटेड नहीं होंगे। जितने भी सिस्टेमिक माइकोसिस डिस्कस करेंगे, इन सब में आप देखेंगे कि दे ऑल आर डायमॉर्फिक फंजाई। और हम डायमॉर्फिक फंजाई बेसिक माइकोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। डायमॉर्फिक फंजाई वो फंजाई होते हैं जो दो डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। सॉइल में उनकी मोल्ड फॉर्म प्रेजेंट होगी, जबकि ह्यूमंस में बॉडी टेम्परेचर पे यीस्ट फॉर्म प्रेजेंट होगी। तो इन सब का ऑलमोस्ट जो मोड ऑफ इन्फ्लेमेशन है, जो मोड ऑफ इंट्रोडक्शन है डिसीज का फैलने का, वो सेम है। इनके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे सॉइल्स में और वो इनहेल होंगे। इनहेल होने के बाद लंग्स में जाएंगे और लंग्स में देन यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, देन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे। इन्हेलेशन के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, तो प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो लंग्स होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन आर एसिम्प्टोमेटिक एंड सेल्फ लिमिटेड। उनमें हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो खुद ही से हील हो जाएंगे। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये डिसमिनेटेड डिजीज काज करेंगे, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली दे कैन लीड टू डेथ। बट अनलाइक क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस माइकोसिस, कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो डिजीज़ ट्रांसमिट कम्युनिकेट नहीं कर सकता अदर पर्सन को। इसमें फोर इंपॉर्टेंट जेनरा है जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज़ कॉक्सीडियोइड्स, नंबर टू इज़ हिस्टोप्लाज्मा, नंबर थ्री ब्लास्टोमाइसीज एंड नंबर फोर पैराकॉक्सीडियोइड्स। अगर आप इनको देखें तो जितने भी ये सिस्टेमिक माइकोसिस इन्फेक्शन कास्ट कर रहे हैं, इन सब के कुछ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन है। इनकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी स्पेसिफिक एरिया में ये इंडेमिक हैं उन्हीं में डिजीज़ कास्ट करेंगे। इसमें भी अगर आप हिस्टोप्लाज्मा को देखें तो इट इज़ एंडेमिक इन ओहियो एंड मिसिसिपी रिवर वैलीज। और इसका एक बहुत स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है कि ये बर्ड्स और बैट ड्रॉपिंग से ट्रांसमिट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन इज़ कॉक्सीडियोइड्स। सबसे पहले कॉक्सीडियोइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। डिजीज़ नेम इज़ कॉक्सीडियोइडोमाइकोसिस, द पॉजिटिव एजेंट इज़ कॉक्सीडियोइड इमाइटस। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज़ अ डायमॉर्फिक फंगस के इसके आर्थ्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। इसमें ये मोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ आर्थ्रोस्पोर्स एंड ह्यूमन बॉडी में एंड ये लंग्स में स्फेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ट्रांसमिशन अगर इसकी डिस्कस करें तो ट्रांसमिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी सेम ट्रांसमिशन है, इसके आर्थ्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में, वो ट्रांसमिट होंगे थ्रू इनहेलेशन और लंग्स को इन्फेक्ट करेंगे। देन पैथोजेंसिस अगर देखें तो प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग्स है। लंग्स में क्या होगा? आर्थ्रोस्पोर्स स्फेरियल्स प्रोड्यूस करेंगे। स्फेरियल्स क्या है? इस पिछले फिगर में आप देख चुके हैं, ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं डबल विद डबल रिफ्रैक्टिव वॉल्स, और इनके अंदर मल्टीपल एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंडोस्पोर्स एक्चुअली जब स्फेरियल रप्चर होगा तो न्यू स्फेरियल्स प्रोड्यूस करेंगे और ये डिजीज़ को देन ट्रांसमिट करेंगे थ्रू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर्स और डिसेमिनेटेड डिजीज काज करेंगे। अब इसके जो पैथोजेंसिस में इंपॉर्टेंट फीचर है, मोड ऑफ इन्फ्लेमेशन इसका गैनुलोमेटस लेजन है। गैनुलोमा फॉर्मेशन होगी इन एनी ऑर्गन, लेकिन स्पेशली ये बोन्स और मेनिंजेस को इन्वॉल्व करेगा और मेनिंजाइटिस काज करेगा। ये इसकी लाइफ साइकिल है, इसका पैथोजेंसिस है। आप देखें तो सबसे पहले क्या होगा? आर्थ्रोकोनीडिया, आर्थ्रोस्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में। तो ये सेप्रोफिटिक फेज है जो सॉइल में प्रेजेंट होगा, ये पैरासिटिक फेज है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होगा। आर्थ्रोस्पोर्स इनहेल हुए, इनहेल होने के बाद भी क्या हुआ? स्फेरियल में कन्वर्ट होंगे ह्यूमन बॉडी में, लंग्स में। देन इन स्फेरियल्स के अंदर एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद क्या होगा? स्फेरियल रप्चर होंगे और एंडोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ से या तो ये एंडोस्पोर्स उसी पेशेंट में जिसमें रिलीज हुए हैं उसी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन स्प्रेड होंगे, किसी डिफरेंट ऑर्गन में जाएंगे, डिसेमिनेट होंगे थ्रू ब्लड स्ट्रीम और फिर उन ऑर्गन में स्फेरियल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और डिसेमिनेटेड डिजीज काज करेंगे। या फिर अगर ये इन्हेलेशन के थ्रू उसके थ्रू सॉइल में चले जाते हैं
तो वहाँ पे देन सॉइल में ये एंडोस्पोर्स माइसीलियम फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, माइसीलिया में और देन अगेन आर्थ्रोस्पोर या आर्थ्रोकोनीडिया प्रोड्यूस होंगे, और ये आर्थ्रोकोनीडिया अगेन किसी और पर्सन को इन्फेक्ट करेंगे, और इस तरह के लाइफ साइकिल इसका कंटिन्यू रहेगा। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है इसकी? मल्टीपल स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल डिजीजे हैं इसमें। सबसे पहले तो लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स आर ए सिम्टोमेटिक, ज़्यादातर पेशेंट्स में ए सिम्टोमेटिक डिजीज़ होगी। कुछ पर्सन में क्या होगा, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होगी, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, फीवर कफ माइल्ड सा इन्फेक्शन होगा, और वो भी सेल्फ लिमिटेड होगा, खुद ही ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अब कुछ एरियाज में, जिन एरियाज में ये एंडेमिक है, वहाँ पे कुछ पर्सन में 50% पॉपुलेशन में ये सीवियर डिजीज़ काज करेगी, और उसको हम क्या कहते हैं, वैली फीवर और डेजर्ट रूमाटिज़म। वैली फीवर कहाँ कहेंगे, जिन एरियाज में एंडेमिक है, कैलिफोर्निया में एंडेमिक है, तो कैलिफोर्निया में इस सिंड्रोम को वैली फीवर कहेंगे, और एरिजोना में इट इज़ नोन एज डेजर्ट रूमाटिज़म। इसके फीचर्स क्या हैं, 50% में लंग्स में चेंजेस होंगी, इन्फिल्ट्रेट्स, एडीनोपैथी और इफ्यूजन्स, और उसके अलावा एरिडेमा नोडोसम स्किन को इन्वॉल्व करेगा, मल्टीपल स्किन लेजन्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ एरिडेमा नोडोसम, और इवन आर्थ्रेल्जियास भी काज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिसमिनेटेड डिजीज़, को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करेगा, मोस्ट ऑफ इफेक्टेड ऑर्गन इसमें मेनिंजेस हैं, ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा, मेनिंजाइटिस काज करेगा, बोन्स में ऑस्टियोमायलाइटिस और स्किन में नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं, काज कर सकता है। नो वट इज एरिडेमा नोडोसम, एरिडेमा नोडोसम एक्चुअली है क्या, एरिडेमा नोडोसम इज ऑल्सो नोन एज डेजर्ट बग्स। एरिडेमा नोडोसम लिमिटेड नहीं है जस्ट कोक्सीडियोइड हेमाइटिस के साथ, क्योंकि ये मल्टीपल जितने भी ग्रैनुलोमेटस डिजीजेज हैं उनमें प्रेजेंट हो सकता है एरिडेमा नोडोसम। इट इज ड्यू टू डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कि इसमें क्या होगा, जो एक्सटेंसर सर्फसेस हैं ऑफ लोअर लिम स्पेशली टीबिया और अल्ना, वहाँ पे रेड नोड्यूल्स, मल्टीपल नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एरिडेमा नोडोसम। क्योंकि ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इन्वॉल्व कर रही है, दैट मीन्स के पेशेंट्स की इम्यूनिटी एक्टिव है, तो ये गुड प्रोग्नोसिस इंडिकेट करेगी, डिजीज का बैड प्रोग्नोसिस इंडिकेट नहीं करेगी। देन इसमें अब स्किन टेस्ट, जितने भी ये सिस्टेमिक माइकोसिस हैं इनमें हम स्किन टेस्ट कर सकते हैं। उस स्किन टेस्ट में हम क्या करेंगे, फंगल एक्सट्रैक्ट लेंगे, कोक्सीडियोडिन और स्फेरुलिन, और इसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट करेंगे। देन इसमें हम इंड्यूरेशन मेजर करेंगे, अगर 5 मिलीमीटर इंड्यूरेशन आती है विद इन 48 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन, तो दैट मीन्स कि स्किन टेस्ट पॉजिटिव है, एंड इट इंडिकेट डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सिमिलर टू ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। लेकिन स्किन टेस्ट जो है, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी डिजीज़ में, फंगल डिजीज़ में स्किन टेस्ट एक्टिव डिजीज़ को इंडिकेट नहीं करता, ये लाइफ लॉन्ग जो है फर्शियस ये पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए इसको हम किसी एरिया में इंडेमिसिटी को डायग्नोज करने के लिए डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस एरिया में ये डिजीज़ इंडेमिक है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी पेशेंट्स में हो चुकी है। लेकिन जो डिसमिनेटेड डिजीज़ है उनमें मोस्टली स्किन टेस्ट हमारे पास नेगेटिव है। देन अगर इसके लैब डायग्नोसिस की बात करें, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में हम टिश्यू स्पेसिमन लेंगे, अगर लंग्स को इन्फेक्ट किया तो लंग का स्पेसिमन लेंगे, और उसको जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें स्फेरियूल्स मिलेंगे। ये माइक्रोस्कोपी में इसकी यीस्ट फॉर्म प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ स्फेरियूल्स, जिसके अंदर मल्टीपल एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड मेथड इज कल्चर, जितने भी फंजाई हैं उनको सेबोरॉट एगर पे कल्चर कहते हैं, तो कल्चर में हमें क्या मिलेगा, इसकी हाइफल फॉर्म मिलेगी, हाइफे विद आर्थ्रोस्पोर्स, ठीक है, आर्थ्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे हाइफल फॉर्म में। नेक्स्ट उसके अलावा हम स्किन टेस्ट के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फंगल एक्सट्रैक्ट इंजेक्ट करेंगे। उसके अलावा अब अगर ये सिस्टेमिक डिजीजेज हैं तो इसमें सीरोलॉजी भी कर सकते हैं हम लोग। सीरोलॉजी में हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट यूज़ करेंगे फॉर कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस।
ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है। जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिसमिनेटेड डिसीज या परसिस्टिंग लंग लेजेंस के लिए हम एम्फोटेरिसिन बी देंगे। उसके अलावा जस्ट अगर सिंपल लंग डिजीज है तो उसमें हम कीटोकोनाजोल भी दे सकते हैं। प्रिवेंशन में कोई स्पेसिफिक मेनो प्रिवेंशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर अवॉइडिंग टू ट्रेवल टू एंडेमिक।